जा सकता है। देखिए उत्तर प्रदेश को रमा अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश में दलित आबादी ठीक ठाक है और दलितों के साथ भी धर्म कौशल का बड़ा मामला सामने आ रहा था। कई मिशनरी सामने जा रही थी, दस यहाँ तमाम घटनाएं बड़ी सामने आ रही थी। चौकी रजा तो पीएम से अनुमति लेकर के धर्म परिवर्तन में शादी ब्याह कराने की बात कर रहे थे। तो अगर इन सबको रोकना है तो जो पिछले कानून थे, हालांकि पिछले 2020-21 में भी कानून बनाया गया था, लेकिन वो कानून में इतनी सख्ती नहीं थी जो इस कानून में है। ये जो कानून विधानसभा में पास हुआ है ये अभी विधान परिषद में जाएगा, उसके बाद गवर्नर के यहाँ जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति की सिग्नेचर के बाद एक कानून बनेगा। क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य सरकारें ऐसे कानून जो धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए हैं वो स्वयं बनाए, एग्जीक्यूट करें। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने जो धर्म परिवर्तन कानून है विधानसभा में पास कर दिया है। योगी जी की बड़ी सीधी सी मनता है कि किसी को कोई परेशान न करे, लालच लाभ दे करके छोटी बच्चियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, लाभ देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जो फंडिंग है विदेशों से हो रही उसका उपयोग किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें उत्तर प्रदेश में रुक जाएंगी, क्योंकि योगी सरकार के बारे में राय है कि जो कहते हैं वो करते हैं, उससे पीछे नहीं हटते। इसलिए मान के चलना चाहिए कि जल्दी ही ये कानून के रूप में सबके सामने होगा, उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन रुकेगा। जय बिल्कुल। आपसे रामेंद्र ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नए प्रावधान है इस संशोधन विधेयक में। देखिए ये संशोधन विधेयक में जो मुख्य प्रावधान है उसमें एक तो सजा बढ़ाई गई है कि आप अगर किसी लड़के को करते हो, छोटे बच्चों को करते हो, लालच देते हो, तो जितनी भी सजाएं थी वो बढ़ा दी गई। और सबसे बड़ा प्रावधान ये है कि आपको उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है, उस पर भी जुर्माना है, जुर्माने के साथ आपको उम्र कैद की सजा मिल सकती। पहले ये नहीं था, पहले 10 साल तक की सजा थी, अब 20 साल तक की सजा है या उम्र कैद है। तो वो कड़े किए गए हैं, प्रावधान कड़े किए गए हैं कि किसी भी प्रकार से धर्म परिवर्तन रुके, क्योंकि लगातार सरकार के पास जो इनपुट जा रहा था वो ये जा रहा था कि गुमराह किया जा रहा, कभी शादी का लालच दिया जा रहा और महिलाओं पर, खासकर जो हिंदू धर्म की महिलाएं उन पर फोकस किया जा रहा था एक वर्ग विशेष द्वारा, उनको शादी का लालच दिया जाता था, बाद में धर्म परिवर्तन करा के कई बार तो छोड़ दिया जाता था, ऐसी भी स्थितियां दिख रही। तो वो रुकना चाहिए और ये लोगों के मन में भय पैदा होना चाहिए कि अगर हम करेंगे तो सरकार हमको छोड़ेगी नहीं। तो इस कानून में इस तरीके से कठोरता की गई है। रमा बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो सजा के प्रावधान है वो भी कड़े किए गए हैं इसमें। बिल्कुल, सजा के प्रावधान कड़े किए गए, जहाँ 3 से 7 साल की सजा थी वहाँ 3 से 10 साल की सजा हो गई, जहाँ 10 साल तक की सजा थी वहाँ 20 साल तक की सजा हो गई। और अगर आप विदेशी फंडिंग का उपयोग, पहले कुछ कानूनों में स्थिरता थी कि विदेशी फंडिंग की जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए गए, जो विदेशों से फंड आ रहा उसको यूज करके और जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था तो वो भी इसमें आ गया है, और जो बच्चियों को गुमराह करके किया जा रहा तो उसमें भी आ गया है। जो दलित और SC ST की बच्चे बच्चियां हैं अगर उनको नाबालिग रूप से गुमराह करते हो तो आपको 100% उम्र कैद की सजा होगी। तो इस तरीके से प्रावधान बहुत कड़े किए गए हैं। सरकार ने पहले ये देखा है कि कहाँ कहाँ धर्म परिवर्तन का प्रभाव है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसी जातियां हैं जो जिनको चुना जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए, तो उस पर फोकस करके उसी तरीके से उन्होंने जो कानून बनाया है उसमें प्रावधान किया है। जाहिर इस प्रावधान के बाद उत्तर प्रदेश में परिस्थितियां बदलेंगी और जो धर्म परिवर्तन की घटनाएं हैं वो रुकेंगी और लोगों को सहूलियत होगी थोड़ा सा जीवन जीने में। बिल्कुल, सजा के जो प्रावधान है वो कड़े किए गए हैं और इसके साथ ही रामेंद्र जो अपराध का दायरा है उसको भी बढ़ाया गया है। बिल्कुल, अपराध के दायरे को बढ़ाया गया, कई चीजें बढ़ा दी गई हैं कि जो पहले जिन अपराधों को नहीं जोड़ा गया था इस धर्म परिवर्तन जो विधेयक था उसको भी जोड़ा गया है कि ना फंड, जैसे विदेशों से बात कर रहे थे, जो विदेशों का फंड आ रहा वो इन्वॉल्व होता है।